मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। तो पांच राज्यों में इलेक्शन को लेकर माहौल बने लगातार आप पूरे देश में घूम रहे हैं, क्या अच्छा है चुनाव का हवा? मैं छत्तीसगढ़ गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, मुझको काफी अच्छा लगा। बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड में और माहौल बहुत बढ़िया बन रहा है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? देखिए मेरा नहीं लगता है जीत के लिए बहुत बड़ा समस्या है, हम आराम से जीत लेगा। डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी काफी एलिगेशन थे। देखो अभी राहुल गांधी का विड़म्बना ये है, खुद जेल से बेल लेगा और दूसरा को बोलेगा तुम चोर हो। आज खुद एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आपने, आपका तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, आपने कोई जिला पंचायत में काम नहीं किया, ग्राम पंचायत में नाम काम नहीं किया, कॉलेज का चुनाव में नाम काम नहीं किया, आप यहाँ है अपना पिता और माता के लिए, और आप अगर दूसरा को बोलेगा कि आप डायनेस्ट हो मैं डायनेस्ट नहीं हूँ तो उसका बारे में क्या बोल सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन सर, इसराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए।